आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सैमसंग के इन्वर्टर एसी की, और ये हमारे पास सैमसंग का इन्वर्टर एसी है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा कवर बाहर निकल गया है। एक बार हम इस कवर में देख लेते हैं, कुछ है तो नहीं। तो ये देख सकते हैं इस कवर में कुछ भी नहीं है एक फोम के अलावा। और अब हम इसके ऊपर की पन्नी उतार लेते हैं। ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है तो हमें इस पन्नी को संभाल के रखना है ताकि दोबारा हम इसे एसी के ऊपर लगा सके। आओ ना भाई, ये हमारा यहाँ आ गया है इसका रिमोट। और ये है इसकी रिमोट और इसका मेन्यू बुक है। फिलहाल इसके अंदर बस इतना ही। अब चलते हैं इसके आउटडोर यूनिट की अनबॉक्सिंग करते हैं। और इंडोर यूनिट में मैं आपको एक बार ये बता दूं, ये है इसकी पत्ती जिसके ऊपर स्टैंड हमारी ये इंडोर यूनिट टंगती है। तो अब हम आउटडोर यूनिट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये भाई साहब ने फीता काट दिया इसका और उसको उस तरफ से उठा दिया ऐसे। ये हमने ऐसे उठा लिया, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास इसके साथ जो 10 फुट पाइप दी जाती है, ये 10 फुट पाइप है, उसी के अंदर 10 फुट ये वायर भी दे रखा है, ठीक है। बस इसके साथ इतना ही आता है, उसके बाद आप देखोगे इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये पीछे इसकी जाली का कवर फोम दे रखा है गत्ता, और आगे ये देख सकते हैं सैमसंग।